हालेलुया, सब को जय मसीह की। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम सब मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ निर्मला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, हमारी जिम्मेदारी। जैसे कि यहोशू की पुस्तक का अध्याय 6 की 2 आयत में लिखा है, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। मेरे प्रियो, एक बार अफ्रीका की सबसे बड़ी चर्च के पास्टर को किसी ने कहा कि आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपकी चर्च में परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम करता है। 300,000 लोग आपकी चर्च में आते हैं और एक दिन में 4 प्रार्थना सभा होती है। उस पास्टर ने जवाब दिया कि हाँ, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। मैं दिन में 16 घंटे दफ्तर में काम करता हूँ और प्रार्थना और प्रचार उन 16 घंटों के अलावा करता हूँ। हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं। आप भी किस्मत वाले बन सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहोशू से को कहा था कि जो देश तेरे सामने है मैं उसको आत्मा में तेरे हाथों में दे देता हूँ, परंतु उसको पाने के लिए तुझे लड़ना पड़ेगा। और यहोशू रात को उठा और लड़ने को गया। याद रखें, जब तक आप कुछ नहीं करेंगे परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे। जब आपके घर में लड़की की शादी होती है तो होटल आप बुक करने जाते हो, परमेश्वर बुक करने नहीं जाते। हलवाई आप बुक करने जाते हैं, परमेश्वर बुक करने नहीं जाते। और आपको पूरी चिंता होती है कि मेरी लड़की मेरे लड़के का विवाह है, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। उसी तरह परमेश्वर का काम भी अपने आप नहीं होता। बाइबल बताती है कि आपके हाथ परमेश्वर के हाथ हैं, आपका मुंह परमेश्वर का मुंह है, आपके पैर परमेश्वर के पैर हैं, आपका पैसा परमेश्वर का पैसा है, आपकी ताकत परमेश्वर की ताकत है। यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर काम करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर अकेला काम नहीं कर सकता, वह अकेला भी काम कर सकता है, परंतु परमेश्वर ने इसलिए इंसान को बनाया कि वह उसके साथ सहभागिता रख सके और उसके काम कर सके। यदि आप किसी को जमीन गिफ्ट करते हैं तो आप 4 वर्षों बाद उसको पूछने नहीं जाते कि तुझे मैंने प्लॉट दिया था, तूने उसका क्या किया। अब वह इंसान यदि आपको निमंत्रण दे कि देखो मैंने उसे जमीन पर घर बनाया है, तो फिर आप वहां जाते हैं। आज लोग कहते हैं कि क्या परमेश्वर सो रहा है, कि अस्पतालों में लोग मर रहे हैं, कितने ही देशों में लोग बम धमाकों से मर रहे हैं। याद रखें, यदि परमेश्वर ने इंसान को धरती दी है तो इसकी रजिस्ट्री आपके नाम की है। अब परमेश्वर तब तक आपकी ज़िंदगी में दखल नहीं देगा जब तक आप उसको निमंत्रण नहीं देंगे। इसलिए परमेश्वर भी वह काम नहीं कर सकेंगे जब तक आप उन कामों में हाथ नहीं डालेंगे। आज लाखों की संख्या में लोग टीवी मिनिस्ट्री द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार को सुन पा रहे हैं और आशीष ग्रहण कर रहे हैं। यदि हम टीवी पर न जाते तो वह लोग सुसमाचार ना सुन पाते। इसलिए आओ हम अपनी जिम्मेवारी को समझें और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अपने सहयोग को दें और दूसरों की आशीष का कारण बने। आमेन, आमेन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ पिता कि मैं आपके कामों को स्वयं करूँगा, अपनी गवाही को बनाकर रखूँगा और आपके सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक ले जाने के लिए अपना पूरा सहयोग दूंगा, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।